हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल अखंड ज्ञान। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया स्टोरी जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल, जिनके राइटर हैं नेथोली ट्रॉवेरी। इस चैप्टर में हम लोग स्टोरी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्टोरीज पढ़ेंगे। तो भाइयों रेडी हो जाओ, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले भाई लोग अपने भाई को भी सपोर्ट कर दो यारो, और चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो चलो चैप्टर करते हैं स्टार्ट। तो चलो पहले स्टोरी स्टार्ट करते हैं। यह बात है 18th सेंचुरी की, और उस समय एक महान पेंटर रहा करते थे जिनका नाम था वुडाउजी। और भैया उस समय भी एक एम्परर रहा करते थे जिनका नाम था ज्वेनजोंग। तो फिर स्टोरी में होता क्या है, जो राजा होते हैं मतलब कि जो एम्परर होते हैं ज्वेनजोंग, वो पेंटर को एक पेंटिंग बनाने का ऑर्डर देते हैं। अब क्वेश्चन आता है, जो एम्परर होते हैं वे पेंटर को पेंटिंग बनाने का ऑर्डर क्यों देते हैं? क्योंकि एम्परर को अपने पैलेस का वॉल को सजाना था, इसलिए। फिर जो पेंटर थे वे पेंटिंग बनाने में लग गए। फिर आगे के लाइन में बताया गया है कि जो पेंटर थे उन्होंने पेंटिंग को एक स्क्रीन के पीछे छुपा दिया था, ताकि उस पेंटिंग को राजा के अलावा कोई ना देख पाए। भैया फिर जब एम्परर उस पेंटिंग को देखते हैं तो वो एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि भैया उसके पेंटिंग में ना वंडरफुल सीन, फॉरेस्ट, माउंटेन, वाटरफॉल। तो भैया राजा तो हैरान होगा ही ना, पेंटिंग ही ऐसी थी यार। फिर अचानक से पेंटर एम्परर को बोलते हैं, प्लीज़ आप माउंटेन के नीचे देखिए। और माउंटेन के नीचे एक केव बना हुआ था, मतलब कि गुफा। फिर पेंटर गुफा की ओर देखते हुए एम्परर को बोलते हैं कि इस गुफा में एक स्प्रिट रहता है। फिर पेंटर क्लैप करते हैं। फिर भैया जो पेंटिंग के अंदर गुफा था ना, वो खुल जाता है। फिर पेंटर बोलते हैं कि इस गुफा के अंदर इतनी खास बातें हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, आप अंदर जाओगे तो ही पता चलेगा। ऐसा पेंटर एम्परर से कहते हैं। फिर पेंटर एम्परर से बोलते हैं कि चलिए मेरे साथ अंदर चलते हैं। फिर जो पेंटर थे वे अंदर चले गए, लेकिन एम्परर के कदम बढ़ाने से पहले ही पेंटर और उसकी पेंटिंग ही गायब हो गए थे, यहाँ तक कि उनका ब्रश तक नहीं बचा था। फिर माना जाता है कि उस पेंटर वो डाउजी का वो लास्ट पेंटिंग था, और उनको इस दुनिया में उसी दिन लास्ट बार देखा गया था। फिर उसके बाद जो हमारे राइटर होते हैं नेथली ट्रॉवेरी कहती हैं कि इस तरह की स्टोरी चाइना के क्लासिकल एजुकेशन में बहुत ही हेल्प करती हैं। ऐसी स्टोरी स्टूडेंट को और एक गाइड को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि ये हमें लाइफ में एक राइट डिसीजन लेने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली स्टोरी कम्प्लीट होती है। सेकेंड स्टोरी में जाने से पहले यार सब्सक्राइब के बटन को दबा लो। उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी में बताया जाता है कि एक फेमस पेंटर रहते हैं जो कि एक ड्रैगन का पेंटिंग करते हैं, और जब वे उनका प्रिंटिंग करते हैं तब वे ड्रैगन की आंखें को नहीं बनाते। वे ड्रैगन की आंखों को इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि उनको डर रहता है अगर वे पेंटिंग में ड्रैगन की आंखों को बना दिए तो क्या पता वे बाहर आ गए, तो इसलिए वे उनकी आंखों को नहीं बनाते। अब अगला स्टोरी पढ़ते हैं। यह बात है 15th सेंचुरी की। उस समय भैया एक लोहार रहता था, मतलब कि ब्लैक स्मिथ, जिनका नाम था क्विंटन, और वे एक लड़की के प्यार में पड़ गए थे जिनके पिताजी एक पेंटर थे। फिर उसके बाद वही फिल्मी वाला होता है, उसके पप्पा जी हैं एक पेंटर और लड़का है लोहार, तो साफ सी बात है उनके पिताजी को वो लड़का पसंद नहीं आया। फिर क्विंटन उनके पप्पा जी के स्टूडियो में जाता है और वहाँ जाके एक मधुमक्खी का पेंटिंग बनाता है जो कि एकदम असली लगता है। फिर जब लड़की के पप्पा जी स्टूडियो में आते हैं तो वे मधुमक्खी को भगाने की कोशिश करते हैं। फिर वे जब ध्यान से उसको देखते हैं तब उनको पता चलता है कि यह एक पेंटिंग है, तो फिर वे एकदम खुश हो जाते हैं। फिर लड़की के पप्पा जी लड़के के बहुत तारीफ करते हैं और अपनी बेटी की शादी भी उससे करा देते हैं। फिर आगे जाके वह लड़का एक फेमस पेंटर बन जाता है उस दौर में। फिर उसके आगे के लाइन में लिखा है कि हमने जो दो स्टोरी पढ़ी है, पहली यूरोपियन स्टोरी जिसमें वो यूरोपियन आर्टिस्ट था, वो ड्रैगन का पेंटिंग बनाता है जिसमें वह उसकी आंखें नहीं बनाता ताकि वो ड्रैगन बाहर ना आ सके। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो यूरोपियन आर्टिस्ट होते हैं वे इल्यूशनेटिक लाइकनेस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, और जो वेस्टर्न आर्टिस्ट होते हैं वे लोग इनर लाइफ और स्पिरिट पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। जैसे कि हमने क्विंटन की स्टोरी पढ़ी, वह स्टोरी एक पर्सनल लाइफ तो लगी ना। हाँ, फिर उसके आगे के लाइन में लिखा गया है कि जैसे कि हमने एक चाइनीज स्टोरी पढ़ी, उसमें जब एम्परर पेंटर के पेंटिंग को देखते हैं तो वे सिर्फ आउटर अपीयरेंस को देखते हैं। आउटर एक्सपीरियंस कहने का मतलब है कि जब एम्परर पेंटिंग को देखते हैं तब वे पहाड़ को, बादल को, झरने को देखते हैं। इसका मतलब साफ है कि जो एम्परर होते हैं वे सिर्फ पेंटिंग का आउटर एक्सपीरियंस देखते हैं, वे उनको फील नहीं कर पाते।
तो फिर हमारे पेंटर भैया कहते हैं कि एक एम्परर चाहे कोई सा भी टेरिटरी कैप्चर कर ले, पर वे उनके अंदर का डिटेल को नहीं बता पाएगा। यह सब डिटेल सिर्फ एक आर्टिस्ट ही बता सकता है। उसके बाद जो हमारी राइटर होती हैं, वे चाइनीज पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग दोनों को डिफ्रेंशिएट करती हैं और कहती हैं कि जो यूरोपियन पेंटिंग होती है वह एकदम से रियलिस्टिक लगती है, मतलब कि एकदम रियल लगती है। और जो यूरोपियन आर्टिस्ट होते हैं वे कहते हैं कि हम लोग पेंटिंग को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। बट चाइनीज आर्टिस्ट बोलते हैं कि आप उनके पेंटिंग को कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, क्योंकि उनकी पेंटिंग रियलिस्टिक नहीं होती है। बट चाइनीज आर्टिस्ट कहते हैं कि आप जब उनके पेंटिंग को कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप उनके पेंटिंग में ट्रेवल करने लग जाएंगे। और जो चाइनीज आर्टिस्ट होते हैं वे एक पाथ बनाते हैं हमारे आई को उस पेंटिंग में जाने का, मतलब कि हम लोग पेंटिंग के धीरे धीरे अंदर जाने लगते हैं। और जब हम लोग धीरे धीरे अंदर जाते हैं तो रास्ते भी खुलने लग जाते हैं, हम लोग सिर्फ मेंटली नहीं बल्कि फिजिकली अंदर जाने लगते हैं। यही तो खास बात है चाइनीज के आर्टिस्टों में। क्या बात है बिड़े लोग, भाई लोग बोर लग रहा है क्या? मेरे को भी लग रहा है। बट कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके आगे बताया गया है कि ये जो लैंडस्केप वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसे चाइनीज में सैन शुई कहते हैं, जिसका मतलब होता है माउंटेन एंड वाटर। उसके आगे बताया गया है कि इस यूनिवर्स को दर्शाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक है माउंटेन और एक है वाटर। और जो माउंटेन होता है वह हेवन की तरफ बढ़ते ही जा रहा है, और माउंटेन को चाइनीज में यांग बोला जाता है। और दूसरी तरफ जो वाटर होता है वह अपने प्लेस में स्थिर बैठा रहता है, और वाटर को चाइनीज में यिन बोला जाता है। इसका मतलब साफ है, माउंटेन और वाटर दोनों अपोजिट वर्क करते हैं। माउंटेन ऊपर हेवन की तरफ बढ़ते जा रहा है और दूसरी तरफ वाटर अपने स्थिर में बैठा हुआ है। फिर राइटर बोलती हैं कि जो माउंटेन होता है वह एक मेल होता है और जो वाटर होती है वह एक फीमेल होती है। फिर राइटर बोलती हैं कि जब हम मेल और फीमेल, दूसरी भाषा में बोलूं तो यांग और यिन दोनों को मिलाएंगे, तब हम उसे डाओइज्म बोल सकते हैं। तो इसी के साथ भाई लोग हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। कमेंट में बताना कैसा लगा और सब्सक्राइब के बटन को ठोक डालो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा। It's caught in the crossfire.